नमस्कार। प्रदेश की अहम खबरें लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। आज की खास खबरों के साथ अरिंदम और सालेहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए 270 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे विभिन्न जिलों में खेल स्टेडियम, खेल परिसर, अकादमियां और मल्टीपर्पज इंडोर हॉल का निर्माण किया जाएगा। प्रदेश के सातों संभागों में सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल खोले जाएंगे। जयपुर के चौगान स्टेडियम का 12 करोड़ रुपए की लागत से कायाकल्प होगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने हाल ही राज्य बजट में इनकी घोषणा की थी। सीएम के इस निर्णय से खिलाड़ियों को बेहतर खेल सुविधाएं और ट्रेनिंग मिलेगी। प्रदेश में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 5 नए छात्रावास खोलने की मंजूरी दी गई है। दौसा, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और टोंक में ये छात्रावास खोले जाएंगे। दौसा के बहराउंडा में सावित्रीबाई फूले अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास, बीकानेर के दामोलाई, जोधपुर के ओसियां, जैसलमेर के फलसून, टोंक के उनियारा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुसूचित जाति बालक छात्रावास खुलेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी छात्रावासों के संचालन के लिए छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 के 5 पद बनाने की भी मंजूरी दी है। हर छात्रावास में 50 विद्यार्थियों की आवास क्षमता होगी। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में पक्के खालों का निर्माण करवाया जाएगा। इन जिलों में 1,32,000 हेक्टेयर कमांड क्षेत्र में कार्य होंगे। इनमें 3 सालों में 462 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मुख्यमंत्री ने इन कामों के लिए वित्तीय मंजूरी दी है। इस स्वीकृति के तहत चालू वित्त वर्ष में 112 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें जलधाराएं और भूमिगत नालियों का काम जल्द हो सकेगा। इससे पानी की बचत होगी, साथ ही खेतों को भी अधिक पानी मिलेगा। जोधपुर में सुमेर पब्लिक लाइब्रेरी का नया भवन बनेगा। इस पर 7,96,00,000 रुपए की लागत आएगी। ये भवन आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा। मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्यों के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। सीएम ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के उद्यान अधीक्षक कार्यालय, आवास और नर्सरी भवन के लिए भी 2,09,00,000 रुपए की मंजूरी दी है। इससे लाइब्रेरी में पुस्तकों और दस्तावेजों का संरक्षण हो सकेगा। विद्यार्थियों को शोध और अध्ययन के लिए बेहतर वातावरण मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आम लोगों को महंगाई की मार से बचाने के लिए राज्य सरकार महंगाई राहत कैंपों के माध्यम से 10 योजनाओं का लाभ दे रही है। श्री गहलोत कल अजमेर में महंगाई राहत कैंप के निरीक्षण के दौरान जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। मुझे खुशी है कि राजस्थान भर में करीब 3,000 कैंप चले होंगे ऐसे, और सब जगह अच्छा रेस्पॉन्स है लोगों का। और मैं सोच समझ के जो बजट पेश किए थे उसका परिणाम है कि आज सब जगह कैंप लग रहे हैं। महंगाई बहुत भयंकर है, कमर तोड़ महंगाई है, ज्यादा महिला समझ सकती है महंगाई। ये तो बेरोजगारी, जो नौजवान है उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। आप सोच सकते हो कि आबादी देश के अंदर 75% ज्यादा हो गई है युवाओं की, उनको नौकरी मिले सरकारी मिले या गैर सरकारी मिले, ये हालात पैदा करने पड़ते सरकारों को। प्रयास कर रहे हैं कि राजस्थान में हम जो है किस प्रकार अधिक से अधिक नौकरियां दे रहे। मुझे कहते खुशी है कि अभी करीब 1,25,00,000 1,50,000 की भी नौकरी लग चुकी है। 1,25,00,000 की प्रोसेस चल रहा है, इंटरव्यू हो रहे हैं, साथ में एग्जाम हो रहे हैं, और 1,00,000 की मैंने और घोषणा करी है। उन्होंने केंद्र सरकार से देश भर में सामाजिक सुरक्षा कानून लागू करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं से राज्य के हर परिवार को महंगाई से लड़ने की ताकत मिल रही है। मेरी मांग दूसरी प्रधानमंत्री से, मैं चाहता हूँ पूरे देश के अंदर एक सी पेंशन मिले, एक सा सबको जो है, जैसे दुनिया के मुल्कों में मिलता है। दुनिया के मुल्कों में भी इतनी पैसा मिलता है हर परिवार को जो नीडी है उनको। सबको जरूरत नहीं होती है पैसे वालों को। आज एक बिल्डिंग बनती है तो मजदूर काम करते, इसलिए बनती, खाली मशीन नहीं बनती है। मजदूर जो बूढ़ा हो जाता है थोड़ी काम कर सकता है मजदूरी का, वहाँ उनके परिवार चलाने का पूरी जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। तब जो है इस प्रकार से आप सोशल सिक्योरिटी दोगे देशवासियों को, सोशल सिक्योरिटी दोगे। इस दौरान श्री गहलोत ने कैंप में उपस्थित लाभार्थियों से बातचीत भी की। सीएम ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में राजस्थान अग्रणी है। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं। अब राज्य सरकार 1,35,00,000 महिलाओं को 3 साल की इंटरनेट सुविधा के साथ मोबाइल फोन निशुल्क देने जा रही है। गरीब अमीर की खाई नहीं बढ़नी चाहिए, ये खाई बढ़ती जा रही है। इस कारण से आज महंगाई रात भी नौबत आई है। अगर गरीब आदमी ऊपर उठ जाता तो ये नौबत नहीं आती। तो प्रयास हमारा ये है, शिक्षा में भी है, स्वास्थ्य के अंदर भी है, तमाम स्कीमें मेरी बजट में आई थी, उसी आधार पे आई थी।
मोबाइल फोन की स्कीम हमारी बहनों माताओं के लिए, क्योंकि तमाम जो चेंजी योजना के अंदर 1,35,00,000 लगभग है परिवार, उन सब में महिला को बनाया मुखिया, उन सबको जो है 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री के साथ में मोबाइल फोन मिलेंगे। 500 रुपए में गैस सिलेंडर, उज्ज्वला योजना शुरू हो गई, सिलेंडर 1,150-1,150 हो गया। इतना बड़ा फैसला किया हमने कि 500 रुपए में सिलेंडर देंगे हम लोग, बहुत पॉपुलर स्कीम हमारी हो रही है। गाँव का बीमा कर दिया हम लोगों ने, काम डेंगू योजना के अंतर्गत 40,000 रुपए का बीमा होगा, भैंस भी कवर कर ली उसके अंदर हम लोगों ने, उसमें आपको 2 पशुधन तक का बीमा कर रहे हैं, गांव का बीमा पहली बार हो रहा है राजस्थान। श्री गहलोत ने अजमेर में 252 करोड़ रुपए की लागत से बनी एलिवेटेड रोड का लोकार्पण भी किया। इस एलिवेटेड रोड से शहर के हजारों लोगों को रोजाना यातायात की समस्या से निजात मिलेगी। महंगाई राहत शिविरों में लाभार्थियों ने अपने अनुभव कुछ यूं साझा किए। और मैं यहाँ कैंप में आई थी, मैं सुबह कैंप में आई, मुझे सारी व्यवस्था बहुत अच्छी लगी। पेंशन का, सामाजिक सुरक्षा का और ऋण का जो भी सारे लाभ हैं अशोक गहलोत जी तरफ से, सारे हमें एक ही जगह मिल रहे हैं और जल्दी ही हमारा काम यहाँ बड़ी आसानी से हो रहा है। मेरा नाम दुर्गेश दांगी है, मैं यहाँ आया और मेरे सारे कुछ काम हो गए। मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने अलवर ग्रामीण क्षेत्र की ग्राम पंचायत जमालपुर में आयोजित महंगाई राहत कैंप और प्रशासन गांवों के संग अभियान का निरीक्षण किया। उधर डूंगरपुर में विशेष योग्यजन आयुक्त उमा शंकर शर्मा ने महंगाई राहत कैंप में लाभार्थियों से संवाद कर राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। राजस्थान के सरकारी स्कूल कामयाबी की नई इबारत लिख रहे हैं। टोंक के सरकारी स्कूलों के 9 छात्रों का IIT एडवांस के लिए चयन हुआ है। राजकीय विद्यालयों के माहौल और मिशन लक्ष्य साधना के मेल से उन्हें ये मकाम मिला है। राजस्थान सरकार और स्थानीय स्तर पर प्रदेश के नौनिहालों के करियर को संवारने के लिए किए जा रहे प्रयासों के तहत सरकारी स्कूलों में 12वीं कक्षा के 9 विद्यार्थियों ने परचम लहराया है। टोंक के विवेकानंद मॉडल स्कूल पढ़ने वाले इन विद्यार्थियों की सफलता की इस उड़ान में जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल के स्पेशल इनिशिएटिव मिशन लक्ष्य साधना की बड़ी भूमिका रही है। इसके तहत जिले के 11 सरकारी स्कूलों में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी स्ट्रीम्स के विद्यार्थियों को IIT और NEET की फ्री कोचिंग दी जा रही है। इन कोचिंग्स के लिए जहां प्राइवेट सेक्टर के तहत बड़े शहरों में भारी भरकम फीस चुकानी पड़ती है, वहीं सरकारी स्कूलों में ये होनहार विद्यार्थियों को निशुल्क दी जा रही है। अजमेर विद्युत वितरण निगम ने रिकॉर्ड राजस्व वसूली, बिजली छीजत में कमी के साथ साथ बिजली चोरों पर कार्रवाई करने में भी बेहतर काम किया है। निगम ने राज्य में सबसे ज्यादा VCR 92,452 भरी हैं। इस दौरान 44,481 मामलों में बिजली चोरी पकड़ी गई है। इन पर 111,47,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इनमें से 67,87,00,000 रुपए की तो वसूली भी की जा चुकी है। प्रदेश की खेल अकादमियों में प्रवेश और आवासीय सुविधा के लिए चयन स्पर्धा 15 से 18 मई तक जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में होगी। इन अकादमियों का संचालन राजस्थान क्रीड़ा परिषद करती है। बाड़मेर के जिला खेल अधिकारी ने बताया कि इसके लिए 14 से 18 साल के और बास्केटबॉल सीनियर में 18 से 20 साल तक के खिलाड़ी अप्लाई कर सकते हैं। इस बीच बाड़मेर के जिला खेलकूद प्रशिक्षण केंद्र में पार्ट टाइम प्रशिक्षक उपलब्ध करा दिए गए हैं। ये तीरंदाजी, टेबल टेनिस और मुक्केबाजी का प्रशिक्षण देंगे। और अब जानिए राजस्थान में सामूहिक विवाह सम्मेलन के लिए दी जा रही अनुदान राशि के बारे में हमारी सहयोगी मेधा से। राजस्थान में सामूहिक विवाह सम्मेलन में प्रोत्साहन के लिए अनुदान राशि को बढ़ाकर 25,000 रुपए किया गया है। साथ ही सर्व जातीय सम्मेलन के लिए 10,00,000 रुपए का सहयोग किया जा रहा है। इसमें नवविवाहित वधु को 21,000 रुपए और संस्था को 4,000 रुपए का अनुदान देय है। यह राशि 1 अप्रैल 2023 से संपन्न विवाह सम्मेलनों को दी जा रही है। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में निवासरत जरूरतमंद कन्याओं, विधवा महिलाओं को उनके विवाह के समय आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना है। इस योजना में सामान्य, अन्य पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाएं पूरी तरह से निशुल्क ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं।